हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ मूली के पत्तों के पराठे। थोड़ा सुनने में वियर्ड लगेगा, बट जितना वियर्ड लग रहा है उतना वियर्ड है नहीं, खाने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है, एक बॉयल मैश्ड आलू ले लिया है, और साथ में मैंने मूली के पत्तों को बारीक काट के उनको वॉश करके अच्छे से सुखा लिया है। अब मैं डायरेक्ट इस आटे के अंदर मूली के पत्तों को ऐड कर दूंगी और ये बॉयल आलू को मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले। मैंने सिर्फ यहाँ पे नमक और लाल मिर्च ऐड किया है। आप इसमें प्याज बारीक काटेंगे तो और अच्छा लगेगा, पर नवरात्रि चल रही है तो मैंने प्याज अवॉइड किया है। आप इसमें हींग भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसका एक अच्छे से डो बना लेंगे। पानी बहुत कम यूज़ होगा इसमें, पानी हमें बहुत ध्यान से यूज़ करना है। आटा हमें नॉर्मल उसमें गूंदना है, बिल्कुल ढीला बिल्कुल टाइट नहीं, सेम प्रोसेस फॉलो करना है जो हम मेथी के पराठे में करते हैं। अब मैंने पेड़ा बना के हल्का सा तेल के अंदर इसमें घी लगा लिया है और मैंने ये तेल के इसको डाल दिया है तवे पे सिकने के लिए। मीडियम फ्लेम पे मैं इसको बनाऊंगी ताकि ये अच्छे से पक जाए, इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। अब ये दोनों तरफ से पक गया है, इसको आप अच्छे से घी लगा लीजिए। नॉर्मल जैसे हम पराठे बनाते हैं सेम वैसे ही बनाना है, कोई इसमें कोई और तरीका इसमें यूज़ नहीं करना है। अच्छे से बन जाएगा ये और अब मेरा पराठा ऑलमोस्ट रेडी है। पराठा एकदम रेडी हो गया है, अब हम इसको सर्व कर सकते हैं। आप इसको चटनी के साथ, चाय के साथ, दही के साथ, अचार के साथ कैसे भी खा सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। बाय।